आपकी गुहार सरकार के कानों तक नहीं गूंजी, सरकार ने न्याय के साथ इंसाफ नहीं दिया और इंसाफ के तराजू पर उनके गुलजाम के परिवारों को, उनके पीड़ितों को मुआवजा के साथ उन आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी गई, तो पूरे बिहार समेत हिंदुस्तान का कोना जाम हो जाएगा। जस्टिस फॉर गुलनाज, जस्टिस फॉर गुलनाज, फांसी दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, वैशाली की पुलिस विभाग हाय हाय, नीतीश कुमार का चोट शासन हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, गुलनाज के कातिलों को फांसी दो, गुलनाज के कातिलों को फांसी दो, गुलनाज के कातिलों को फांसी दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, वैशाली प्रशासन मुर्दाबाद, वैशाली प्रशासन मुर्दाबाद। इसलिए कि जब जब भी सरकार जुल्म करती है तो हिंदुस्तान का कोना कोना से नौजवानों का, बुद्धिजीवियों का काफिला सड़कों पर उतर कर इंसाफ की गुहार लगाती है। अगर ये इंसाफ की गुहार सरकार के कानों तक नहीं गूंजी, सरकार ने न्याय के साथ इंसाफ नहीं दिया और इंसाफ के तराजू पर उनके गुलजाम के परिवारों को, उनके पीड़ितों को मुआवजा के साथ उन आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी गई, तो पूरे बिहार समेत हिंदुस्तान का कोना जाम हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। इसलिए कि एक और सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, एक और नीतीश कुमार का यह कुशासन सरकार जो कहती है कि गरीबों के हति गरीबों के साथ है, हम दलितों के साथ है, लेकिन उस सरकार में पूंजीपतियों को ताकत मिलती है और ऐसे लोग जो VIP कैटेगरी के हैं उनके बच्चे सुरक्षित है, लेकिन आम जनता के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबका के बच्चे हैं, उनके बच्चे आज सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से दरिंदों ने भाई हमारी बहन गुलजान को जलाकर मारने का काम किया, दिल दहन उठता है, कलेजा फाड़ उठता है, हिंदुस्तान अपने आप में शर्मिंदा महसूस करता है कि हमारी सरकार के कारण आज हमारी महिला, हमारी बेटी, हमारी बहन सड़कों पर खुली आजादी के साथ, फिजा के साथ घूमने पर वो महरूम है। आज भी हिंदुस्तान के कोने में ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने और ये नीतीश कुमार जैसे जगह बौखलाहट का शिकार करने वाला कुशासन सरकार नीतीश कुमार के कारण आज जिस तरह से बिहार को तार तार होना पड़ा है, तो इससे जो है ये उम्मीद लगता है कि आने वाले वर्षों में ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। और ये नीतीश कुमार कभी आप जो है भागलपुर का वो बालिका गृह कांड को देख लीजिए, कहीं ऐसे रेप का कांड को देख लीजिए, कभी आसिफा का हम किस दर्द को बयां करें, आसिफा के उस दर्द को बयां करें या गुलजार के उस दर्द को बयां करें, किस दर्द को बयां करें, हमारी फसल फाज नहीं है। सरकार को चेतावनी के साथ कहेंगे कि सरकार ने अगर न्याय के तराजू में किसी भी की तरह से तोलने में अगर नाकामी करती है तो पूरे हिंदुस्तान का कोना कोना चक्का जाम करेगी, आंदोलन करेगी, सरकार को घेरने का काम करेगी।